हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दो फाइव वायरिंग जो वाइंडिंग होती है टेबल या सीलिंग फैन, सॉरी टेबल या वॉल फैन हो या फिर स्टैंड फैन हो, कोई भी फैन हो, अगर उसका जो वाइंडिंग में से पांच तार आए हुए हैं तो हम उसके जो कैपेसिटर है वो कैसे ज्वाइंट करेंगे, हम आज इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ से नीचे से जो आए जो स्विच के वायर है वो चार ही वायर है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि रेड और रेड ये दोनों का कंपैरिजन हो गया, ग्रीन और ग्रीन का कंपैरिजन हो गया, ब्लैक और ब्लैक का हो गया, येलो और येलो का हो गया। तो इसमें जो बचती है वो है ब्लू। तो सबसे पहले जो आपका कैपेसिटर का वायर है वो ब्लू को एक लगेगा, ठीक है, एक ब्लू को लग जाएगा। बाकी जो है और जो दूसरा कैपेसिटर का वायर है वो हम चेक करेंगे कि हम वो वायर किस में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको जो फ़ैन का स्विच है वो सब बंद कर देना है, यहाँ से मैं फ़ैन का स्विच जो है बंद कर देता हूँ, कोई भी स्विच ऑन मत रखना, नहीं तो फिर आपका ये जो कैपेसिटर का जो हम वर्क करने वाले वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है हमारा, मैं सीरीज़ कनेक्शन ले लेता हूँ। सीरीज़ कनेक्शन लेने के बाद ये देखिए, ये सीरीज़ कनेक्शन ले लिया मैं, तो आप देख सकते हैं ये सीरीज़ कनेक्शन जो है मेरा ऑन हो चुका है। और इसका पिन हम ले लेंगे साथ में, ठीक है। पिन लेने के बाद इसका जो स्विच था ये हम सब बंद कर देंगे, एक भी स्विच ऑन नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम इसका टेस्टिंग करेंगे कि एक जो वायर है इसका वो डायरेक्टली जो है इस पिन को कनेक्टेड रहता है, तो इन चारों में से वो कौन सा वायर है, और एक जो है डायरेक्ट पिन को कनेक्टेड रहता है और बाकी जो के जो तीन है, तो ये समझ लो आप ब्लैक वायर जो है पिन को कनेक्टेड है और बाकी के जो तीन है वायर है ये जो स्विच रहता है जो स्लो फास्ट फास्ट, और ये जो तीन स्विच है ये उनको कनेक्टेड होते हैं। तो हमें इनमें से वो वायर ढूंढना है जो कि डायरेक्टली इस पिन को कनेक्टेड है। तो इसलिए जो है हम इसे सबसे पहले जो इसका स्विच है वो बंद कर देंगे। फिर इसके बाद जो है इसका सीरीज़ का एक वायर जो है इस पिन को लगाएंगे, ये देखिए इस पिन को एक वायर लगाएंगे और इन सबको लगा कर देखेंगे कोई वायर है क्या। ये देखिए ये इस पर तो ऑन नहीं हो रहा है एक भी। फिर हम ये दूसरे पिन को लगाएंगे, फिर इन सबको टच करके देखेंगे। ये देखिए इसका जो डायरेक्ट वाला वायर है वो येलो है, तो हमें जो इसका वायर मिल गया है कि ये वायर जो है वो येलो है। तो हम अपना कैपेसिटर ले लेते हैं, ये देखिए इस फैन का कैपेसिटर ये है। तो अब जो है हमने सबसे पहले देखा था कि ये ब्लू का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो सबसे पहले एक वायर जो है ब्लू को लग जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये देखा कि इसका जो येलो वायर है वो डायरेक्ट है, तो हमारा जो ये दूसरा वायर है वो यहाँ पर येलो को लग जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं इसका सब कनेक्शन कर देता हूँ। येलो येलो रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, और जो है ब्लैक ब्लैक। तो हमारा जो है ये कनेक्शन हो चुका है, तो मैं इस फैन को जो है कुछ इस तरीके से घुमा लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो कनेक्शन हो गया है, हमें ये याद रखना है कि कनेक्शन जो है एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। तो मैं इसका वायर जो है वो सब अलग अलग दूर दूर कर देता हूँ, और इसका जो ये पिन है, ये इसका पिन ये रहा, ठीक है। इसका ये जो पिन है मैं सबसे पहले सीरीज़ में चेक करूँगा, सीरीज़ में लगा देता हूँ। ये सीरीज़ का बटन मैंने ऑन किया और ये सबसे पहले मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा फ़ैन जो है ऑन होने लग गया है। इसी तरह 2 पे ऑन करता हूँ तो फिर भी ऑन होने लग गया है। इसी तरह 3 पर फुल, जैसे कि आप देख सकते हो फुल स्पीड में चलने लगा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको जो है इसका वायरिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।